8 months after the devastating Glacier Lake outburst flood ravaged the Himalayan state of Sikkim, massive traffic jams continue to be a problem due to the delay in constructing an alternative iron bridge, Iron Bailey Bridge, since the collapse of the Tung Bridge in North Sikkim. The damaged bridge at Tung caused a halt in traffic between Mangan and Chungthan via Tung Naga, the only alternative route through Sanklalang Safo Chibgyer is narrow and not suitable for two-way traffic, resulting in heavy traffic congestion. Meanwhile, questions are being raised over the delay in constructing an alternative Iron Bailey Bridge, even nearly 8 months since the Glacier Lake outburst. Is this a sign of inadequate preparation by the state administration for the tourist season? And Prakash Adhikari, our colleague from Sikkim, is over the phone line for more on this. Well, Prakash, it's been 8 months since the Glacier Lake outburst. Abhi jo major route hai, wo jo bridge construction ka baat hua tha, wo abhi tak complete nahi hua hai. There's a massive traffic jams every day and the commuters are facing hardships. Updates kya hai, Prakash? Itna delay kyu ho raha hai jahan tak bridge construction ki baat hai? जी हाँ, कल जो 3 मई को 8 महीने कंप्लीट होगा जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का. तो 8 महीने कंप्लीट होने के बाद भी जो मंगन से लाचुंग की जाने वाली जो मेन टूंग ब्रिज है वो जो कोलैप्स हुआ था वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. उसका जो रिकंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो जंगू होके अभी घूम के जाना पड़ा है. तो इस सीजन में जो गवर्नमेंट के पास जो एक आंकड़ा था कि कितना टूरिस्ट आएगा, उसके जिससे भी ज्यादा टूरिस्ट इस सीजन में अभी आया है. जो प्लेन साइट में हीट वेव होने की वजह से लोग सिक्किम घूमने आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो लास्ट 3 मंथ्स में 12 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट सिक्किम में विजिट कर चुके हैं. इसको लेकर 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक स्टोरी भी किया था. तो अभी टूरिस्ट फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी हो रहा है. और जो नॉर्थ सिक्किम का जो रोड है वो बीआरओ के अंडर में है, ग्रेफ के अंडर में है. तो बीआरओ ग्रेफ रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मगर वहां पर जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड हुआ है या ब्रिज टूटने की वजह से हो, छोटे छोटे लैंडस्लाइड होने की वजह से हो, वहां पर सामान नहीं ले पा रहे हैं बीआरओ के लोग भी. तो बहुत हजल्स उन लोगों को भी झेलना पड़ रहा है. अभी तक चुंगथांग से लाचुंग का रोड भी बंद है, 8 महीना हो चुका है. इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बीआरओ. इसकी वजह से अभी तक वहां पर ब्रिज का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है. मगर जून में अप्रैल महीने की 7 तारीख को लाचुंग का रोड खुला था, मगर फिर लैंडस्लाइड होने की वजह से फिर से वो रोड बंद हो चुका है. तो कल भी चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग करके प्रिपेयरनेस की बात की थी, मानसून प्रिपेयरनेस की बात की थी और इंस्ट्रक्शन दिया था बीआरओ ग्रेफ को कि रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करे. मगर बीआरओ भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सामान नहीं ला पा रहे हैं, तो इसकी वजह से अभी तक ब्रिज का कंप्लीट नहीं हो रहा है. जी प्रकाश, एट द सेम टाइम अभी कंस्ट्रक्शन में उनको तकलीफें हो रही हैं. अभी सामने मानसून सीजन भी अप्रोच करने वाला है, तब और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है कंस्ट्रक्शन के काम में. अल्टरनेटिव क्या है प्रकाश? मानसून सीजन स्टार्ट होने की वजह से सिर्फ नॉर्थ सिक्किम में नहीं, इस बार जो नेशनल हाईवे है सिलीगुड़ी से गैंगटॉक, उसका भी वो भी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है. क्योंकि जो तीस्टा रिवर के सामने से जो नेशनल हाईवे है और जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट की वजह से जो रिवर का जो रूट है वो भी चेंज हुआ है. अभी नेशनल हाईवे के सामने से ही रिवर जा रहा है. तो कुछ दिन पहले जो एक बारिश हुआ था तभी भी 2 दिन के लिए नेशनल हाईवे बंद हुआ था. तो इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम सिक्किम को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 2-3 दिन बाद सिक्किम में मानसून स्टार्ट होने वाली है, बारिश होने की संभावना है. आईएमडी की ओर से
हैवी रेनफॉल होने की बात कही गई है। तो इस बार जो नेशनल हाईवे को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है और नॉर्थ सिक्किम का तो अपना ही प्रॉब्लम है ही है, इसके साथ साथ सिलीगुड़ी और गैंगटॉक के लिए। मगर सिक्किम में कोई दूसरा अल्टरनेटिव हाईवे नहीं है। अभी जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट होकर जो एक नया हाईवे से बन रहा है कालिम्पोंग बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट होके सिक्किम के पाकिम तक, वो हाईवे भी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो घूम के जाना पड़ेगा। घूम के जाने से लगभग 8-9 घंटा, जो 3-4 घंटा का जो रूट है उसको 8-9 घंटा तक समय लगता है। तो इस बार बहुत सारी प्रॉब्लम सिक्किम को फेस करने की संभावना है और इसको लेकर ही कल चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई थी और सभी को रोड ठीक करने के लिए, बीआरओ को भी दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। मगर जिस तरह से टिस्टा रिवर का भी रूट चेंज हुआ है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम फेस होने की संभावना है। जी प्रकाश, इस डीले में, ये जो डीले हो रहा है ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, अभी देखिए टूरिस्ट्स को तो परेशानी हो ही रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी पर्सनल, इफ़ यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल भी उनको भी इसमें परेशानी हो रही है। दे आर ऑल्सो फेसिंग ट्रबल्स एज फार एज द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स इज ऑल्सो कंसर्न, उसमें भी दिक्कत आ रही है प्रकाश। जी हाँ, आप लाचेन की ओर देखिए, जो गुरुनंगमा लेक तक का जो रूट है चुंगथांग से लेकर लाचेन होके गुरुनंगमा, वो तो 8 महीने से बंद है, वो तो कम्प्लीटली बंद है। उधर भी जो चाइना बॉर्डर है उस तरफ जो आर्मी को अभी 8-9 घंटा पैदल चल के लोग बॉर्डर एरिया तक जाना पड़ता है। और लाचेन की ओर देखिए, 0.5 कटाव की ओर देखिए, तो वहाँ भी कुंग की ब्रिज की वजह से जो अभी हैवी जो टूरिस्ट का जो टूरिस्ट फ्लो हुआ, इसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से भी आर्मी व्हीकल भी स्टॉक वहां पर फंसा हुआ है। तो बहुत सारे दिक्कतें जो डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो भी, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे भी, वहाँ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो अभी उसको लेकर अभी अल्टरनेटिव भी कोई रूट नहीं है। मगर जो बीआरओ और ग्रेस की ओर से जब ये रोड कंप्लीट होगा, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ये सभी समस्या का हल होगा। मगर डिले हो रहा है, डिले होने की वजह से अभी 2-3 दिन में मानसून स्टार्ट होने की संभावना है। मानसून स्टार्ट होगा तो और बहुत सारी कठिनाई और फेस करना पड़ेगा। जी प्रकाश, फाइनली देखिए क्वेश्चंस अभी रेज तो हो रहे हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है, 8 महीने कल होंगे इस जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट था उसको, 8 महीने के बाद भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। बीआरओ को ऑफकोर्स उनको दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, बट कुछ टेंटेटिव डेट दिया है, कुछ टेंटेटिव टाइम फ्रेम दिया है लोगों को, कब तक हो सकता है, हाउ व्हेन द पीपल ऑफ द स्टेट कैन एक्सपेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। जी हाँ, बीआरओ ने पहले उन लोगों ने अप्रैल महीना का 6 तारीख का समय दिया था। नॉर्थ ईस्ट ड्राइव में ही जो सामजुप लेप्चा जो रोड एंड ब्रिजेस मिनिस्टर है, उनका बाइट आया था कि अप्रैल 6 तारीख को खुल जाएगा। 6 तारीख को खुला भी था मगर 7 तारीख फिर से बंद हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, एक लोग का मौत भी हुआ उसकी वजह से, और फिर रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ा। तो टूंग का भी तो एक प्रॉब्लम ही है, लाचेन का भी प्रॉब्लम है। तो बीआरओ बोल रहा है कि 10-15 दिन में वो लोग कंप्लीट करेंगे, जितना हजल से वो सब क्लियर करके वो लोग 10-15 दिन में वो लोग क्लियर करने का बात बीआरओ की ओर से बार बार बोला जा रहा है। मगर अभी सबसे बड़ा समस्या है जो प्लेन साइट में जो हीट वेव और उसकी वजह से जो मानसून की जो संभावना है, तो 2-3 दिन में जो मानसून आने की संभावना है सिक्किम में, फिर से बारिश सिक्किम में स्टार्ट हुआ, तो नॉर्थ सिक्किम में कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ सिक्किम हैवी रेनफॉल होता है, तो इसकी वजह से और प्रॉब्लम फेस होने की संभावना है। मगर बीआरओ की ओर से 10-15 दिन का समय उन लोगों ने मांगा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को।